योगी माता को विक्रमारायण पवित्र में अच्छा सोचा है और उनका पाप सचुग में क्या होगा और संगम में क्या होगा ऐसा होगा पार्ट ऊंचते ऊंच पार्ट कौन सा है और ऊंचते ऊंच पार्टधारी कौन से युग में बनते हैं है? संगम युग में जो ऊंचते ऊंच पार्टधारी बनते हैं वो जन्म जन्मांतर के ऊंच पार्टधारी बनते हैं। सतयुग में ऊंच पार्ट कहेंगे या संगम में ऊंच पार्ट कहेंगे? सतयुग में ऊंचते ऊंच पार्ट कौन सा है? कृष्ण का ऊंचते ऊंच पार्ट है, परंतु उनसे भी ऊंच पार्ट किसका है? जो कृष्ण का रचयिता है, रचयिता रचना से सदैव ऊंचा होता है। बाप ऊंचा या बच्चा ऊंचा? बाप ऊंचा। तो संगम युग में जो विशेष पाठधारी हैं, वो संगम युग में ऊंचते ऊंच पाठ धारण कर लेते हैं, क्योंकि संगम युग से ही सतयुग की शुरुआत होती है या सतयुग में ही होगी? संगम में ही स्वर्ग स्थापन हो जाता है। इसलिए जो पहले पहले नंबर में ऊंचे बनते हैं वो फिर उस युग में नीचे उतरते जाते हैं, अपने बच्चों को देते जाते हैं, फिर जब नया युग आएगा तो फिर ऊंच पाठधारी बनेंगे। और हाँ जी, जगदम्बा का मर्तबा ईश्वर से भी बड़ा है? जगदम्बा की मर्तबा ईश्वर से भी बड़ा है? हाँ, जब राजाएं गद्दी पर बैठते हैं तो राजा के साथ रानी भी बैठती है गद्दी पर, उसे राज लक्ष्मी कहा जाता है। तो राज लक्ष्मी की गद्दी ऊंची होती है या राज माता की गद्दी ऊंची होती है? तो कौन ऊंचा हुआ? राज माता ऊंची हो गई, क्योंकि ये नियम बाबा ने बनाया है कि माता गुरु बिगर कोई का उद्धार हो नहीं सकता। तो माता को गुरु बना लिया तो माता ऊंची हुई या चेहला ऊंचा हुआ? हम ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में माता कौन है? बड़ी ते बड़ी है जगदम्बा है या दादा लेखराज ब्रह्मा है? जगदम्बा है, क्योंकि दादा लेखराज ब्रह्मा उनका तो शरीर ही नहीं रहा। नाम वाला शरीरधारी का होता है या आत्मा का होता है? शरीरधारी का होता है। और यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा तो नहीं थे पहले, कौन था पहले? माता थी या पहले ब्रह्मा था या पहले प्रजापिता था? पहले कौन? यज्ञ माता थी, माता से ही बच्चे का जन्म होता है। तो पहला पहला ब्राह्मण बच्चा कौन है? प्रजापिता। प्रजापिता जो पहला पहला ब्राह्मण बच्चा है उसने जन्म किससे लिया? ब्राह्मण बनने के लिए तो ब्रह्मा चाहिए ना, ब्रह्मा के बगैर ब्राह्मण कहाँ से आया? तो कौन हुआ ब्रह्मा? जगदम्बा पहला पहला ब्रह्मा हुआ। ब्रह्मा माने ही बड़ी माँ। जो प्रजापिता की भी माँ है वो सारे जगत की माँ साबित हो जाती है। और माता को गुरु बनाना पड़े, अगर माता की अवहेलना हुई तो सदगति मिलने वाली नहीं है, स्वर्ग के गेट खुलने वाले नहीं है। स्वर्ग के गेट खुलने हैं ना, गेट खुलते हैं तो कितने दरवाजे होते हैं?
है? दो दरवाजे होते हैं। कौन है दो दरवाजे? जिनका पाठ संगम युग में सबके लिए खुल जाएगा कि ये है ऊंचे से ऊंचे लक्ष्मी और नारायण। बल कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का कब जन्म हुआ? कब जन्म हुआ है? मुरली के अनुसार इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, तो कौन सा टाइम निकला? ये 66 की मुरली है, उस मुरली के अनुसार 76 आता है लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। जन्म होना माने पहली पहली प्रत्यक्षता, तो जो पहली पहली प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ तो क्या जन्म हो गया है? सबकी बुद्धि में बैठ गया कि बच्चा पैदा हुआ। अरे मोहल्ले में बच्चा पैदा होता है तो मोहल्ले वाले सब मानते हैं ना बच्चा पैदा हुआ, या कोई ये भी कहता है नहीं पता नहीं बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे होता है क्या? नहीं। तो 76 में सबने पक्का पक्का 100% मान लिया कि ये नारायण है, माना है? कोई नहीं माना। आज मानते हैं, कल कल अनिश्चय पैदा हो जाता है। तो बच्चा पैदा हुआ तब कहा जाए जब जो सामने आए, जो सुने और जो देखे उसके मुख से क्या निकले? मेरा बाप आ गया। और बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होगा? बाप तो बिंदु है, निराकार है या साकार है? हैं? भगवान बाप क्या है? निराकार है, तो कैसे प्रत्यक्ष होगा? बाप तो बच्चे के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। तो बच्चा प्रत्यक्ष हुआ तब कहा जाए कि जो सामने आए उसे मानना पड़े कि ये प्रत्यक्षता हो गई, ये जन्म हो गया। और ईश्वर तो ईश्वर के बाहरी जगत पर तो महिमा है, ईश्वर कैसा? हाँ, ईश्वर ईश्वर जो है वो ईश्वर, ईश माने शासन करने वाला, वर माने श्रेष्ठ। जो शासन करने वाला बच्चा होता है उससे पूछा जाए, उसकी माँ को सामने रख दिया जाए, बोलो तुम बड़े या तुम्हारी अम्मा बड़ी, तो क्या कहेगा? है जो अम्मा को ही बड़ा बताएगा ना, कि अपने को बड़ा बताएगा? लायक होगा तो माँ को आगे रखेगा, नालायक होगा तो अपने को आगे कर देगा। और नारायण सबसे श्रेष्ठ है बाबा, लेकिन लक्ष्मी के बाद इनका नाम आता है लक्ष्मी नारायण कहते हैं। नाम का आधार क्या है? लेकिन तो नारायण ने ज्यादा काम करके दिखाया प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल पुरुषार्थी जीवन में नारायण ने ज्यादा काम करके दिखाया या लक्ष्मी ने ज्यादा काम करके दिखाया? है लक्ष्मी ने ज्यादा करा, क्यों, किस आधार पर? प्योरिटी के आधार पर। नारायण तो पुरुष है या स्त्री चोला है? पुरुष। सारे इस दुनिया के पुरुषार्थी जितने भी पुरुष हैं वो दुर्योधन दुशासन है या नारियां सारी दुर्योधन दुशासन है? पुरुष दुर्योधन दुशासन। अब वो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो, या कोई भी पुरुषार्थी मात्र हो, पुरुष चोला है तो क्या है? सब दुर्योधन दुशासन। और भाई पूछ रहा है दुनिया की पढ़ाई जागृत पढ़ाई क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनियावी पढ़ाई जो पढ़ाई जा रही है वो विदेशी पढ़ाई का तत्व उसमें ज्यादा है या स्वदेशी पढ़ाई का तत्व ज्यादा है उसमें? हैं? विदेशी पढ़ाई है। विदेशों में सबसे बड़ा अवगुण क्या आ गया है जो भारत में अवगुण नहीं था? हैं?
व्यभिचार। विदेशी जो होते हैं वो व्यभिचारी होते हैं, एक स्त्री से एक पति से कभी भी संतुष्ट रहने वाले जिंदगी में नहीं है, क्योंकि उनमें विकार जास्ती होते हैं। इसलिए व्यभिचारी होने के कारण वैश्यालय बनाने वाले हैं दुनिया को। इसलिए जो पढ़ाई वैश्यालय बनाने वाली है वो नीचे गिराने वाली है या सर ऊंचा उठाने वाली है? हाँ, नीचे गिराने वाली है। अरे नाम ही दे दिया डॉगली पढ़ाई, गॉडली पढ़ाई। गॉडली पढ़ाई से क्या बनते हैं? गॉड एंड गॉडेस बनते हैं। अच्छा, डॉगली पढ़ाई से क्या बनते हैं? कुत्ता और कुतिया बनते हैं। तो कुत्ता कुतिया बनना कौन पसंद करेगा? जिसकी बुद्धि में नहीं बैठा होगा ईश्वरीय ज्ञान, वही कुत्ता कुतिया बनना पसंद करेगा? किसी को गाली देते हैं तो क्या कहते हैं? है कुत्ती, तो ये गाड़ी खराब क्यों है? है कुत्ता, खराब क्यों मानी जाती है? है क्योंकि कुत्ता कुतिया जो है वो व्यभिचार का पोषण करने वाले हैं। जो व्यभिचार का पोषण करने वाले हैं वो सृष्टि को गड्ढे में ले जाने वाले हैं या सृष्टि को ऊंचा उठाने वाले हैं? हैं? हाँ, एक गॉड ये है जो ऊंचा उठाने वाला है सारी सृष्टि को, तो वो आकर नरसिंहनारायण बनाता है। माया जब से आती है तो सबको कुत्ता कुतिया बनाती है, बंदर बंदरिया बनाती है। और मुझे होली में सब पहले के टाइम में जब होली था, तब पहले का टाइम जब होली था तब ऐसा लगता था कि शिव माता में हाथ आता था और ब्रह्मा दिखता था। ये ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि शिव तो माता में आ नहीं सकता है, तो कैसा आता? माता में नहीं आ सकता कि कन्या में नहीं आ सकता? माता में आ सकता है। माता और कन्या में तो अंतर है, कन्या पवित्र होती है, पवित्र में बाप नहीं आ सकते। और माता, माता तो माता है ना, तो माता के लिए ये बात जो बोली गई है कि ऐसे ऐसी माताएं थीं, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबू को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, उनमें बाप प्रवेश करते थे, मुरली में आ गया, तो माता कन्या रही होगी या माता ही रही होगी? हैं? माता ही थी। और बाबा मुरली में कहा गया कि रामायण सब झूठी है बोलते, लेकिन फिर भी वो चार भाइयों का ज्ञान को उसका असर लेते हैं। हैं? चार भाइयों का जो रामायण में चार भाई है, राम और चार धर्म, उसका इस्लामी देवता और क्रिश्चन चार धर्म, फिर ऐसा झूठा हो गया। तो रामायण में क्या ये बताते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक ही धर्म के थे या चार धर्मों के थे? हैं? चार धर्मों के थे ये बताते हैं रामायण में? फिर झूठी है सच्ची है? इंटरप्रिटेशन चाहे रामायण हो और चाहे गीता हो, व्याख्या के आधार पर रामायण भी टोटली झूठी हो गई। और दुनिया की हर चीज, हर एक गुण, हर एक विकार, हर एक धर्म पहले सतो प्रधान होता है या तमो प्रधान होता है? तो अहंकार भी विकार है या नहीं है? विकार है। तो पहले पहले वो सतो प्रधान था या तमो प्रधान था?
पांच विकार भी सतयुग के आदि में 100% सत्व प्रधान थे। रावण के पांच विकार, काम विकार, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में कोई 100% काम ही बन करके रहा होगा या नहीं रहा होगा है? जो 100% काम ही बन करके रहा होगा दुनिया में, वो सब कामियों का बाप हुआ या नहीं हुआ, बीज हुआ या नहीं हुआ, वो बीज रूप आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में होगी या नहीं होगी है? होगी, उसी को शास्त्रों में गाया हुआ है। गौतम ऋषि वो ऋषि में भी दो पार्ट्स हैं, एक कर्म के आधार पर, कर्म शरीर से किया जाता है कि आत्मा कर्म करती है, शरीर के द्वारा आत्मा कर्म करती है, शरीर को बीज नहीं कहेंगे, आत्मा को बीज कहेंगे। तो गौतम ऋषि की कोई बीज रूप आत्मा भी है, वो काम विकार का बीज हो गया, इसलिए कहा जाता है गौतम श्रेष्ठतम, और गौ माने इंद्रियां, इन्हें स्थूल इंद्रियों से जिसने सबसे जास्ती सुख भोगा वो ही हुआ गौतम। उसकी पत्नी का नाम क्या दे दिया? अहिल्या। जितना इंद्रियों से सुख भोगा है तो इंद्रियों से दुख भी भोगना पड़ता है। इंद्रियां काट ही जाएंगी तो इंद्रियों से दुख नहीं भोगते हैं फिर? गौतम ऋषि का, अरे जब मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होगा तो उसकी इंद्रियां नहीं काटी जाएंगी। दो प्रकार के मुसलमान गाये हुए हैं, मुसलमानों के दो हिस्से हैं दुनिया में, एक सुन्नी और एक शिया। ज्यादा तहस नहस करने वाले कौन है? सुन्नी। सुन्नी उन्हें कहा जाता है जिनका भक्ति मार्ग में लिंग काटा जाता है। जितने भी सुन्नी मुसलमान हैं, सुन्नत की जाती है उनकी, भक्ति मार्ग में उनके लिंग को काटा जाता है, कितनी तकलीफ होती होगी। शिया माने ही सीता, ठंडे ठंडे दिमाग वाले। तो जो ठंडे दिमाग वाले होते हैं वो ज्यादा दुख देते हैं या गर्म दिमाग वाले ज्यादा दुख देते हैं? गर्म वाले ज्यादा दुख देते हैं। और ज्ञान सूर्य का पात्र, ज्ञान सागर का पात्र, दो भी एक ही समय में दर्शन करते हैं या अलग? सूर्य धरणी से चिपक के रहता है या सागर चिपक के रहता है? है? कौन रहता है? सागर धरणी से चिपक के रहता है, और सूर्य, सूर्य सदैव धरणी से डिटैच होकर रहता है या अटैच होकर रहता है? डिटैच होकर रहता है। तो ज्ञान सूर्य वास्तव में शिव है। वो ज्ञान सूर्य जिसमें प्रवेश करता है उसको कहा जाता है ज्ञान सागर। बहुत गहरा है सागर, की गहराई जितनी है वो आज तक किसी ने नाप ही नहीं पाई कितना गहरा है। और बाबा ये भाई पूछ रहा है, जब सीता लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींचा गया था हाँ? उसका क्या आदेश है? लक्ष्मण रेखा का मतलब ये है कि अगर उस रेखा को उल्लंघन न किया जिसका नाम है लक्ष्मण रेखा तो लक्ष्य प्राप्त होगा।
नारी का लक्ष्य क्या है, सीता का लक्ष्य क्या है, हैं? लक्ष्मी बनना। लेकिन सीता लक्ष्मी बनता ही है या नहीं बनती है, हैं? जिसने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया, क्रॉस कर दिया, वो लक्ष्मी बनती है या नहीं बनती है? नहीं बनती है। वो सीता जिसने लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया, क्रॉस नहीं किया, वो लक्ष्मी बन जाती है। तो सीताएं भी दो हो गई। रामायण में भी ये बात आई है, जिस सीता ने लक्ष्य को क्रॉस नहीं किया, रेखा को पार नहीं किया, उसके लिए बोला है तुम पावक में करो निवासा, तुम योगाग्नि में निवास करो, जब अलग करो निशाचरण आशा, तब तक योगाग्नि में निवास करो जब तक मैं इन निशाचरों का नाश कर दूं। तुम योगाग्नि में रहो, ये नहीं कहा वियोगाग्नि में रहो, काय में रहो, योगाग्नि में। हाँ, भूमि में जो नीचे जाती है, नीचे जाने वाला पक्का पुरुषार्थी होगा या ऊपर रहने वाला पक्का पुरुषार्थी होगा? ठीक। और देह अभिमान की धरणी से ही पैदा होती है और देह अभिमान की धरणी में ही समा जाती है। बाबा जितना पावन बनना है तो उतना ही पतित से पतित बनता है, तो जिसका लक्ष्य कैसा कब बनता है, संगम युग में बनता है या कलयुग के अंत में बनता है? संगम में पतित बनता है, है? संगम में पतित बनता है या कलयुग के अंत में पतित बनता है? कलयुग अंत में पतित बनता है। जो कलयुग अंत में पतित बनता है वो सतयुग के आदि में उतना ही जास्ती पावन, तो सतयुग का आदि होगा कि नहीं शूटिंग पीरियड में? शूटिंग पीरियड में सतयुग का आदि भी होगा या नहीं होगा कि सतयुग में होगा, संगम में ही होगा? यही राज भरा हुआ है। राज क्या भरा हुआ है, हैं? बुद्ध योग का राज है या इंद्रिय योग का राज है, हैं? बुद्ध योग का राज है। इंद्रियों से भले कीचड़ में डूबा रहे, देखने वालों को लगे कि कीचड़ में डूबा हुआ है, लेकिन बुद्धि, बुद्धि कहाँ रहे, उपराम रहे। बुद्धि अगर उपराम है तो पाप और पुण्य बनेगा या नहीं बनेगा, है? नहीं बनेगा। और सब कुछ सीखकर फिर भूल जाना सब, अंत में सब कुछ सीखकर, सब कुछ पढ़ाई पढ़कर सब कुछ में सब भूल जाते। अच्छा, अगर सत्य तो याद कर लिया, अगर सार याद कर लिया तो सब कुछ भूलना अच्छा है या न भूलना अच्छा है? दुनिया में भी जो पढ़ाइयां पढ़ते हैं, इतने मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र पढ़ते हैं, 20-20 साल 25-25 जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, और पढ़ाई पढ़ने के बाद जब पद मिल जाता है, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो सब भूल जाते हैं कि याद रहता है? भूल जाते हैं, सार याद रह जाता है। तो ऐसे ही सारे ज्ञान का सार क्या है? याद। कौन सी याद? परमात्मा की याद या आत्म की स्थिति की याद? आत्म की स्थिति जब पक्की बन जाती है तो सब कुछ भूलना ही अच्छा है, क्योंकि देवताओं को अगर वर्तमान के अलावा भूत और भविष्य की याद रहेगी तो उनका सारा सुख
मट्टी हो जाएगा या सुख बना रहेगा? है सब बेकार हो जाएगा। उनको वही याद आता रहेगा कि हम नीचे गिरेंगे। अरे हम तो संगम युग में उतने ऊंचे थे, संगम युग में हमारा मान मर्तबा कितना ऊंचा था, अब तो सिर्फ हम थोड़े लोगों के सामने ऊंच और नीच की बात ही नहीं है। अभी तो सब आत्मा है, आत्मिक स्टेज वाले, वहां न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। और लेकिन आत्मा का पुरुषार्थ भी करेंगे कब? जब परमात्मा बाप से सहयोग मिलेगा तब आत्म की स्थिति में टिकेंगे, या अपने आप ही टिक जाएंगे? संबल कौन देता है, सहारा कौन देता है आत्म की स्थिति में टिकने के लिए? हा? बाप ही सहारा बनता है या हम अपने आप अपने सहारे बन जाते हैं? बाप ही सहारा बनता है। तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर ऊपर ले जाएंगे। लेकिन बाबा ये तो वार्तालाप में बाबा ने बताया आगे और भी तमो प्रदान करेंगे, माना क्यों ऐसा तमो प्रदान करेंगे बच्चे? अभी पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं बाबा के बच्चे? अभी बताओ, अभी पुरुषार्थ पाप का ज्यादा कर रहे हैं या पुण्य का ज्यादा कर रहे हैं? अभी जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, अभी जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं वो पाप के कर्म ज्यादा कर रहे हैं, 100 गुना पाप का बोझ चढ़ा रहे हैं या पुण्य ज्यादा कर रहे हैं? है? सर्विस कितनी करते हैं? है? अरे सर्विस कर रहे हैं, सर्विस ज्यादा कर रहे हैं या डिससर्विस ज्यादा कर रहे हैं? है? क्या ज्यादा कर रहे हैं? अभी भी हम स्वार्थी हैं या अपनी चिंता छोड़ दी है रथ की? है? रथ के लिए मर रहे हैं या परमार्थ के लिए मर रहे हैं? ज्यादा महत्व तो किसको देते हैं, रथ को ज्यादा महत्व देते हैं या ईश्वरीय धंधे को ज्यादा महत्व देते हैं? किसको महत्व देते हैं? है? अब हाँ ना नहीं करेंगे, प्रश्न पूछने वाला तो उसको जवाब दिया जाता है ना। हम कौन सा धंधा ज्यादा कर रहे हैं, देह अभिमान बढ़ाने का धंधा ज्यादा कर रहे हैं या आत्माभिमान बढ़ाने का धंधा कर रहे हैं? आत्मा अभिमान बढ़ाने का धंधा है ईश्वरीय धंधा। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो हम देखें कि हमारे 24 घंटे रथ के लिए जा रहे हैं या आत्मा के कल्याण के लिए जा रहे हैं? है? रथ के लिए जा रहे हैं। तो हम पापी हैं या पुण्यात्मा हैं? अभी भी पापी हैं। पूरा तमो प्रधान बनने के बाद जब पूरे तुम डूब जाते हो, तुम्हारी चोटी बचती है तब चोटी पकड़ के उठाता हूँ। बाबा की कमाल से उस समय बिल्कुल सारा बाबा की कमाल है। हम नीचे जाना चाहते हैं और माया हमको नीचे डुबोती जाती है। हम चाहते भी हैं नीचे गिरे, मजा आता है हमको नीचे गिरने में। स्वार्थ की जिंदगी जीने में मजा आता है या परमार्थ की जिंदगी में जीने में ज्यादा मजा आता है? हैं? अभी मजा काय में ज्यादा आ रहा है? हंस दिए, हंसने से थोड़ा ही काम चलेगा, काय में ज्यादा मजा आ रहा है? हैं? स्वार्थ की जिंदगी जीने में ज्यादा मजा आ रहा है। स्वारथ माने अपने रथ, अपने रथ की जो इंद्रियां हैं उनका भोग भोगने में हमको ज्यादा मजा आ रहा है। ये पाप है या पुण्य है? यही पाप है। और बाबा ये भाई पूछ रहा है कि बाबा का वरदान है कि पूरे पूरे के पूरे परिवार ज्ञान में आ जाएंगे,
हाँ, पूरा का पूरा परिवार तुम्हारा ज्ञान में चलेगा। तो ये दुनिया भी एक परिवार है? नहीं, तुम्हारा परिवार तुम झूठ बोलते हो। ये दुनिया हमारा परिवार है, है रहते हो अकेले हो, कहते परिवार है। बढ़िया बढ़िया दाल रोटी बना बना के खाते रहते हो और कहते दुनिया हमारा परिवार है। बोलते का ही नहीं? नहीं नहीं, भाई पूछ रहा है। भाई पूछ रहा है तो उसका जवाब भाई को दिया जा रहा है, तुमको थोड़े दिया जा रहा है। भाई की तरफ से जवाब दो। अगर प्रैक्टिकल में सारी दुनिया तुम्हारा कुटुंब है, तुम्हारा परिवार है, तो तुम परिवार के साथ रह रहे हो, परिवार के साथ सुख भोग रहे हो या अकेले भोग रहे हो? कहना कुछ और करना करना कुछ और। अब वसुधैव कुटुंबकम तब बनेगा जब हम 100% आत्मा बनेंगे, तब सारी दुनिया हमारा कुटुंब बनेगी। अभी तो ये शरीर ही हमारा कुटुंब है, ये 10 इंद्रियां ही हमारे परिवार के साथी हैं, इनका भोग भोगने में हमें बहुत मस्ती है। अरे ऐसा कोई बाप होता है जो अपने बच्चे को रोटी न दे और खुद खाए खावा खाब चला जाए? माँ बाप होते हैं, पहले बच्चों को खिलाते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने परिवार की परवरिश करते हैं, फिर उसके बाद कुछ बचता है तो खुद खाते हैं। कह देने से थोड़ी हो जाता कुटुंब। अंत में तो सभी आकर भगवान के सामने तो झुक जाते हैं, आना पड़ता है। तो कहना क्या चाहते? तो झुक गए? अरे सबकी बात छोड़ दो, अभी कोई एक भी झुक गया है? एक भी पूरा नहीं झुका? आज खुशी की बातें करेंगे, कल कोई बात पैदा हो जाएगी तो रोना शुरू कर देंगे। हमें ये बात अच्छी नहीं लगती, हमें वो बात अच्छी नहीं लगती। अरे जब हम भगवान के भांति बन गए, भगवान ने हमें अपना लिया, तो कुछ हमारा अनिष्ट हो सकता है क्या? पाना था सो पा लिया, हमेशा इस खुशी में रहना चाहिए। तो सारा संगम युग ही मौजों का युग है। और दुख दर्द ज्यादा है तो मौत है? जब दुख दर्द ज्यादा है क्या है? जब दुख दर्द ज्यादा होता है, दुख दर्द ज्यादा है देह भान से होता है या आत्मा अभिमान से होता है? तो फिर ये गलती किसकी? बाप ने तो कहा तुम आत्मा समझो, तो मौज में कैसे? जब तुम देह की इंद्रियों का सुख भोगने में तुम्हें मजा आ रहा है या आत्मिक स्थिति में रहने में मजा ज्यादा आता है? आदमी को अच्छा अच्छा भोजन, अच्छा अच्छा कपड़ा, अच्छा अच्छा मकान अच्छा लगता है ना, मजा आता है ना? तो उसके लिए सुबह से शाम तक कितना परिश्रम करता है? करता है कि नहीं करता है? फिर ये देह का सुख है या आत्मा का सुख है? फिर देह अभिमान जो है वो दुख दर्द बढ़ाएगा और आत्माभिमान सुख शांति लाएगा। और भाई पूछा है जितना याद करेंगे उतना स्थूल खाना का भोजन और नींद सब कम हो जाएगा। तो बेहद में क्या? बेहद की तो बात बता रहे हैं, हद की बात तो तुम जितना भोजन करेंगे खाएंगे हपा हप खूब बढ़िया बढ़िया रात को खा के सो जाओ, हाँ बढ़िया बढ़िया तला हुआ खा के सो जाओ रात में, पूड़ियां बना के और हलवा बना के। सवेरे को देर से उठेंगे या जल्दी उठेंगे? देर से उठेंगे, नींद ज्यादा आएगी। वो हद का भोजन हुआ और ये है आत्मा का सूक्ष्म भोजन। तो सूक्ष्म बातें ही तो हो रही है अभी, याद का भोजन है। और
हाँ कभी रोज लगता है अच्छा यार कभी फिर डाउन हो जाता है। हाँ माने 63 जन्म के हिसाब किताब पूरे हो गए, हिसाब किताब चालू हैं, हिसाब किताब और दिन प्रतिदिन शूटिंग के हिसाब से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो हिसाब किताब जब पूरे हो जाएंगे तो लगातार याद टिक जाएगी। पाप कर्मों की रील जब घूमती है तो कितना भी पुरुषार्थ करें, कितनी भी दृढ़ इच्छा करें तो भी पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता है। और पुण्य कर्मों की जब रील घूमती है तो न चाहते हुए भी ऑटोमेटिक स्थिति बढ़िया बन जाती है। इसलिए बोला कि अभी 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, अपने पुरुषार्थ के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि हमने 63 जन्म पुण्य ज्यादा किए हैं या पाप ज्यादा किए हैं। शिव बिंदु इच्छा पूर्वक नहीं आ सकते दुनिया पर, है शिव बिंदु इच्छा पूर्वक नहीं आ सकते दुनिया पर, अपनी इच्छा से, आपकी इच्छा से, किसकी इच्छा से? स्वयं परमात्मा। हाँ हाँ बाप है ना, तो बाप जब देखता है कि मकान बहुत पुराना हो गया है तब ही नया मकान बनाने के लिए आएगा ना, कि नए मकान को आके बिगाड़ देगा कि मकान गिरना शुरू हो गया चलो भाई इसको बिगाड़ो नया मकान बनाओ। बुद्धिमान बाप क्या करेगा, अरे आपने ये मकान बनाया थोड़ी सी टीन टूट गई तो आप क्या बिगाड़ करके नया बना देंगे, हैं? रिपेयर बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे तो ऐसे ही भगवान बाप भी रिपेयरर भेज देता है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक ये रिपेयरर हैं। जब इनके बते कुछ नहीं होता है, अभी अभी रिपेयर की और अभी अभी बेकार हो गया, तब फिर खुद आता है। रिपेयर करने वाले फेल हो जाते हैं तब वो आता है नई दुनिया बनाने के लिए, वो भी उसकी अपनी इच्छा है। और वो इच्छा मात्र अविद्या है या इच्छा वाला है? है वो तो इच्छा मात्र अविद्या है, जब उनका टाइम होता है वो भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, ड्रामा माने समय, जब उनका टाइम होता है तो आते हैं, समय से पहले तो नहीं आ सकते। और अरे आधा पौना घंटा पहले ही क्लास पूरा कर देंगे, चंद्रवंश में सूर्य वंश में इस्लाम वंश में बौद्ध वंश में कोई फर्क ही नहीं है, पहले मणके में दूसरे मणके में चौथे मणके में और आखिरी मणके में कोई फर्क ही नहीं। जो चंद्रवंशी माँ होगी, चंद्रवंशियों की बीज माँ बीज रूप माता होगी, वो आखिरी मणका है या दूसरा तीसरा या पहला मणका है तो फर्क नहीं है। अरे हाँ फर्क तो है लेकिन महानता भी है कि रुद्रमाला का पहला मणका जितना नजदीक है शिव बाप के उतना ही नजदीक जगदम्बा का मणका भी भगवान बाप के नजदीक है, दोनों ही नजदीक है। अंतर सिर्फ यह है
पहचान का। और मनुष्यों की कैटेगरी होती है या नहीं होती है? दुनिया में जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं, उनके रूप रंग स्वभाव में कैटेगरीज हैं या नहीं है? हैं? हैं? तो जैसे मनुष्यों के कैटेगरीज हैं, वैसे जानवरों की भी कैटेगरीज हैं। अगर क्रिश्चियन धर्म का मनुष्य होगा तो कहां जन्म लेगा? कहां जन्म लेगा? है, सूर्यवंशी में जन्म लेगा या क्रिश्चियनिटी में ही जाके जन्म लेगा? क्रिश्चियनसी बनेगा। अगर इस्लाम धर्म का मनुष्य है पक्का, अपने धर्म का पक्का है, तो वो हर कल्प में जन्म जन्मांतर में इस्लाम धर्म में जन्म लेगा या चंद्रवंश सूर्यवंश में जन्म लेगा? इस्लाम धर्म में जन्म लेगा। ऐसे ही जो जानवरों की आत्माएं हैं, उनकी भी कैटेगरीज हैं। कोई चौपाए हैं, चार पांव वाले, वो अपनी जाति में ही जन्म लेंगे। कोई जंगल है, उस जंगल में आग लग गई, सारे जंगल में आग लगी, सारे डायनासोर मर गए, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। एक मादा बच गई, किसी तरह से उस आग के बवंडर से बाहर निकल गई, हो सकता है या नहीं? हैं? हो सकता है। जो मादा बाहर निकल गई, उसी के रंग रूप का दुनिया में आज कोई प्राणी है या नहीं है? कौन है? क्रोकोडाइल। तो कोई क्रोकोडाइल नर ने उसको पकड़ लिया, किसको? जो मादा बच गई थी, और उससे बच्चे पैदा कर दिए। तो नई प्रकार की जाति पैदा होगी या नहीं होगी? हैं? जाति बदल गई, वो प्राणी खत्म हो गए, डायनासोर। अब ये दलील देना कि डायनासोर अगर हुए होते तो उनकी वंशावली में भी कोई होना चाहिए। अब डायनासोर क्यों नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी विशाल हड्डियों वाले, ये कारण है। और आज के बोली में आया कि जो ज्यादा पोशाक करता है तो माया उसको चपाड़ मार, जो से तुम जितना तीखा पुरुषार्थ करेंगे, माया उतना ही प्रबल रूप का होकर के तुम्हारे ऊपर बार करेगी। तो बच्चे को ऐसा सुनकर ज्यादा पुरुषार्थ करने के वजह से ही माया परीक्षा लेगी तो... अच्छा, तो परीक्षा देना खराब बात है क्या? ज्यादा परीक्षा देगा तो ज्यादा ऊंच पद पाएगा, या छोटी मोटी परीक्षा देगा तो ज्यादा ऊंच पद पाएगा? बच्चे समझ में, ज्यादा पुरुषार्थ करने के वजह से माया चपड़ मार रही है। बच्चे ये क्यों नहीं समझते कि ज्यादा हम पुरुषार्थ करेंगे तो ज्यादा ऊंच पद पाएंगे, ज्यादा परीक्षाएं देंगे तो हमारा पद भी ऊंचा ज्यादा बनेगा। जो परीक्षाएं ही नहीं देंगे उनका पद भी ऊंचा नहीं बनेगा। और माया सर्वशक्तिवान है या बाप ज्यादा सर्वशक्तिवान है? माया अपोजिशन करती है, ये बात ठीक है। माया हमको बार बार डाउन करती है, ये बात ठीक है। द्वापर के आदि से लेकर के हीरो पार्टधारी आत्मा मायावियों का मुकाबला करती रही या नहीं करती रही? हैं? करती रही। डाउन होती रही या हिम्मत हार गई? हैं? हैं? हिम्मत हार गई? हैं? हिम्मत नहीं हारी,
डाउन होती गई। मालूम है कि विदेशी बड़े प्रबल हैं, इन्होंने भारत को पूरा ही तहस नहस कर दिया, तो भी राणा प्रताप ने, शिवाजी महाराज ने मुकाबला किया या हाथ पे हाथ धर के जिंदगी में कभी बैठ गए? मुकाबला किया। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी तब गाए जाते हैं, हारिए ने हिम्मत बिसारिए न राम। अगर हिम्मत हार गया तो हार गया। हारने वाला कहा जाता है या हिम्मत हारने वाला कहा जाता है? साइकिल पर बार बार चढ़ता है और बार बार गिर पड़ता है, तो वो अपने को हारने वाला कहे या साइकिल पर चढ़ना छोड़ता ही नहीं वो हारने वाला कहे? बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, तो हारने वाला है या जीतने वाला है? हिम्मत नहीं छोड़ता। तो हिम्मत हारे हार है, हिम्मत करने से जीत ही जीत है। इसलिए बाबा ने कहा आखिरी जीत किसकी होगी? अभी तो माया तुमको लगातार पछाड़ रही है। क्या ये माया तुमको लगातार पछाड़ रही है और आगे चल के और पछाड़ेगी? एक एक में 14-14 इविल सोल प्रवेश करेंगी, संगठित होकर के प्रवेश करेंगी। अभी भी ये भूत प्रवेश कर रहे हैं। पूरी खराब हो गई है, हमारे साथ कौन है? हमें दृष्टि किसकी मिल रही है? माया को दृष्टि मिल रही है या हमको दृष्टि मिल रही है? हैं? बाप हमारे साथ है या मायावियों के साथ है? हमारे साथ है। तो हमारी हिम्मत और बढ़नी चाहिए या हिम्मत हार के बैठ जाना चाहिए? हमारी तो हिम्मत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़नी चाहिए। हमको पक्का निश्चय है कि अंतिम विजय हमारी है। लक्ष्मी नारायण को नीचे क्यों दिखाया गया? हाँ, सर किसका ऊंचा है? पांव को न देखो, सर को देखो। सर राधा कृष्ण का ऊंचा है या लक्ष्मी नारायण का ऊंचा है? हैं? आत्मा कहाँ रहती है? सर में रहती है। तो पहले कौन हुए, बड़े कौन है या छोटे कौन है? ये जो लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं वो संगम युग के राधा कृष्ण बड़े होके लक्ष्मी नारायण बने हैं। संगम युग का जो कृष्ण है वो ही बड़े होकर क्या बना? नारायण बना। वो लक्ष्मी नारायण दिखाए गए हैं, और जो बाजू में राधा कृष्ण खड़े हुए हैं वो सतयुग में जन्म लेने वाले बच्चे के रूप में राधा कृष्ण है। वो नीचे नहीं खड़े हुए हैं, ऊंची स्टेज में है। और पाकिस्तान में ज्यादा मिलिट्री का शासन है, मिलिट्री का शासन रहता है, मिलिट्री का ज्यादा शासन रूल करते हैं, मिलिट्री रूल ज्यादा ज्यादा देशों में नहीं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, इंडिया में कब? इंडिया में अभी तक भी मिलिट्री शासन तो नहीं हुआ, इमरजेंसी तो हुई लेकिन मिलिट्री शासन नहीं हुआ। होगा, बाबा ने बोल दिया है मिलिट्री शासन होगा, तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट में भी मिलिट्री शासन हो जाएगा। मार्शल कौन होगा? है शंकर, मार्शल हो जाएगा। मानो तो मानो, न मानो तो न मानो तो ठा। अभी अभी पाप कर्म किया और अभी 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 उसका दंड। मिलिट्री शासन को परिवर्तित करने में देर नहीं लगती है, प्रजा के ऊपर प्रजा का जो शासन है उसमें तो बहुत देर लगती है।
फैसले करने में 20 साल जिंदगी गुजर जाती है, फैसले ही नहीं हो पाते क्या राइट है क्या रंग है। हाँ बाबा ने पहले बताया ऐसा दिन आएगा तुम्हारे घर के बाहर क्यों लगेगी? हाँ तुम्हारे घर के बाहर माना जो बाबा के बच्चे हैं। माउंट आबू में क्यों लगेगी? बाबा के बच्चे उन लोगों के नहीं क्या? ये कहा बाबा के बच्चों के पीछे क्यों लगेगी? ये कहा माउंट आबू में क्यों लगेगी? नीचे से लेकर आबू रोड से लेकर के और माउंट आबू तक क्यों खत्म ही नहीं होगी? हो सकता है चढ़ने की और उतरने की दोनों सड़कें अलग अलग बनानी पड़े, जैसे तिरुपति यादगार है, अभी वहां चढ़ने के लिए अलग रास्ता और उतरने के लिए अलग रास्ता है। माउंट आबू में भी ऐसा करना पड़ेगा, जब क्यों लगेगी तो फिर कैसे काम पूरा होगा? मतलब बाबा के बच्चे कुछ नहीं देंगे क्या? बाबा के बच्चे किसी को कुछ नहीं देंगे क्या? बाबा के बच्चे किसे नहीं, और क्या बिंदी देगी? नहीं अज्ञानी वालों को। हाँ हाँ, जब बच्चे बच्चों के सामने बच्चों के दर पर दुनिया वाले पहुँचेंगे तब ही देंगे कि बिना पहुँचे देंगे? तो बच्चों का दर कौन सा होगा? जो बाप का दर सो बच्चों का दर, दर माने दरवाजा। और माउंट आबू में रहने के लिए बाबा का परमिशन नहीं है, इसलिए माता रानी प्रॉपर्टी खरीदने की परमिशन है, रहने की तो परमिशन नहीं है। अरे जल में रह करके मगरमच्छ से बैर, अच्छी बात है खराब बात है? बोलो, जल की नदी है, मालूम है इस नदी के अंदर मगरमच्छ क्रोकोडाइल बैठा हुआ है, और वहां उस पर लड़ाई लड़ना शुरू कर दे जाके नदी के अंदर घुस पड़े तो मारेगा, हमें मार देगा, खा जाएगा या हम उसे खा जाएंगे? हैं? हाँ, बाहर से बंदूकें छोड़ो। अगर नहीं गए तो प्रॉपर्टी सब है, अगर वहां आते नहीं, आकर नहीं जाते हैं तो प्रॉपर्टी वो अपने देखभाल करने के लिए किसने मना किया? चुपचाप जाओ अपने देखभाल करके भाग जाओ। किसी दूसरे ने अगर कब्जा करना शुरू किया है तो रिपोर्ट करो, कागजी कार्रवाई करो, कोर्ट कचहरी करो। और बाबा मुसलमान का है वो जो मुल्क से निकल जाते हैं दाढ़ी लगाते हैं, जिनको मूछे निकाल देते हैं उनको हाजी कहते हैं, पूरा मुसलमान हो गया। हाँ मूछे निकाल दी, दाढ़ी रह गई, क्या जो संपूर्ण ब्रह्मा के चित्र दिखाए जाते हैं उसमें मूछे दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? नहीं, मूछे खत्म और दाढ़ी दिखाते हैं, ध्यान से देखना। ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा की यादगार कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में मुसलमानों का मेला लगता है कि नहीं? बड़ा भारी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला मुसलमानों को कहाँ लगता है? हैं? वो यादगार कहाँ की है? हैं? ब्रह्मा की यादगार है। जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली या ब्राह्मण है वो कहाँ सबसे जास्ती तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं? माउंट आबू में इकट्ठे हो रहे हैं। तो मुसलमानों ने ब्रह्मा को फॉलो किया है पूरा,
मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाले जो ब्राह्मण हैं, वो भी किसको फॉलो कर रहे हैं? है त्रिमूर्ति में किसको फॉलो कर रहे हैं? ब्रह्मा को ही फॉलो कर रहे हैं।